प्रदेश में एक एक विधानसभा की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं आया था मटेरा की समीक्षा करके, इस बार बहराइच विधानसभा की समीक्षा। समीक्षा में क्या पाया आपने? अभी तो मैं समीक्षा किया ही, समीक्षा करूंगा इसके बाद। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव में AIIM पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? 2022 का इलेक्शन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे और उसकी तैयारी हम आज से नहीं 5 सालों से करते चले आ रहे हैं। 2017 में हम इलेक्शन लड़े थे और उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन हम मायूस नहीं है अल्लाह की जात से। हमने कोशिश किया और कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज कल हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि 2022 के इलेक्शन में बहराइच और मटेरा विधानसभा पहुंच जाएंगे, एक मजबूत कैंडिडेट यहां पर होंगे। यहाँ की आवाम समाजवादी और बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी से तंग आ चुकी है, उसे एक अच्छे मुतबादिल की तलाश है। उसे अब मुतबादिल मिल गया है, उसे एक ऐसा लीडर मिल गया है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलूमों की आवाज़ है। उसका नाम बैरिस्टर सुल्तान मुर्शी साहब है। उनकी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मुतबादिल की शक्ल में उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आवाम उसे कबूल करेगी, पसंद करेगी और कामयाब करेगी। जैसे आपने बिहार में कई पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, क्या उत्तर प्रदेश में भी अन्य पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यकीनन हम ये चाहेंगे कि बीजेपी को रोकने के लिए सेकुलर ताकतें एक जगह इकट्ठा हों। अगर हकीकत में ये लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो MIM किसी भी हम ख्याल पार्टी के साथ जाने को तैयार है बीजेपी को रोकने के। अब तक क्या उठाना किसके साथ जाएंगे? अब ये तो नेशनल प्रेसिडेंट तय करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। बात हमारी बहुत जगहों पे चल रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, बीजेपी को रोकने के लिए हमारी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं होगी कि हम बहुत ज्यादा सीटें मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने देना चाह रहे हैं, लेकिन सेकुलर पार्टियां अगर वो एक साथ